स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फूड में। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी है मसालेदार ग्रेवी वाली तोरी की सब्जी या गिलकी की सब्जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पतली पतली सॉफ्ट तोरी ली है। ये पाव भर तोरी हमने ली है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये और पतली ही ज़्यादा अच्छी बनती है। एक प्याज को मैंने पेस्ट बना कर ले लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है और एक ही टमाटर की मैंने प्यूरी बना कर ले ली है। बाकी हमारे रेगुलर मसाले तो हैं ही, साथ में हम इसमें डालेंगे ये हमारी कसूरी मेथी है, ये जीरा है और ये गरम मसाला है, थोड़ी सी इसमें हींग भी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तोरी का छिलका निकाल कर उसको लंबे लंबे पार्ट में काट लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको काट लिया है, आप देख रहे हैं मैंने कुछ इस तरीके के टुकड़े काटे हैं, आप भी कुछ इस तरीके के टुकड़े काट सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देते हैं। तो गैस पर हमने अपनी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें हम अब ऑयल डालेंगे। तो आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक बड़ा चम्मच और आधा चम्मच और तेल डालूंगी, यानी कि मैंने कुल तेल यहाँ पर डेढ़ बड़ा चम्मच तेल का यूज़ किया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना भी आप खाना चाहें। तो यहाँ पर मैंने डेढ़ चम्मच तेल इसको डाल दिया है, इस तेल को गर्म होने देंगे और फिर इसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग जो हमने ली थी, चुटकी भर हींग इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे तेज पत्ता जो हमने लिया है, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा। तो जीरा को चटकने देंगे, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें भी डालेंगे। तो जीरा हमारा चटक चुका है, इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। तो चलिए पहले प्याज को अच्छे से मिला लेते हैं। प्याज को थोड़ा चला लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया है, अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को थोड़ा भुनने देंगे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक। तो प्याज हमारी भुन चुकी है, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर एक चम्मच, मिर्च पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, आप अपने स्वादानुसार डालें, गरम मसाला एक चौथाई चम्मच, कसूरी मेथी एक चौथाई चम्मच। अब पानी डालकर इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। पानी डाल डालकर हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि वो तेल ना छोड़ने लगे आसपास से। तो चलिए अच्छे से मसाला भून लेते हैं। हम इसे थोड़ा ढककर भूनेंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो मसाला हमारा भी थोड़ा भुना है, इसमें हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी जो हमने बनाकर ली है उसे भी, और उसे डालकर भी मसाले को अच्छे से भून लेंगे। चलिए फटाफट से भून लेते हैं। मसाले को पानी डाल डालकर ढकते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो मसाला हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है, लेकिन इसमें मैं अभी थोड़ा सा पानी और डालूंगी और इसके बाद अच्छे से इसको और भुनने दूंगी। तो मसाले को हमने काफ़ी देर तक भून लिया है और इसने आसपास से तेल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे हमने तोरी काट के लिए है उसे भी, और उसे मसाले में डालकर अच्छे से दो तीन मिनट तक भून लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसमें तोरी डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से मसाले के साथ हम भूनने देंगे। तो चलिए इसे भी हम भून लेते हैं। तो हमने तोरी को मसाले के साथ मिलाकर लगभग एक दो मिनट के लिए ढककर भून लिया है। अब इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि इसकी ग्रेवी बन जाए। तो चलिए इसमें हम पानी भी डाल देते हैं। हमें इसकी बहुत ज़्यादा तरी नहीं बनानी है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये रसीली सब्जी हम नहीं बना रहे हैं। बस उतना ही पानी हम डालेंगे जिससे कि ये इसकी ग्रेवी बन जाए, थिक ग्रेवी जैसी होती है, बस मसाले में ये लिपटी हुई सी बने। तो चलिए उसके हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने डाल दिया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी, इतना ही पानी, लगभग ये आधा कप या एक कप समथिंग पानी इसमें जाएगा, तो ये मसाले में अच्छे से पक जाएगी। तो इसको हम अब पकाएंगे कम आँच करके और ढक करके, ढकेंगे भी तो हम थोड़ा सा उसको खोल देंगे, पूरी तरीके से कवर नहीं करेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा ढककर पकने देते हैं जब तक कि ये तोरी हमारी गल नहीं जाती। तो अब चेक कर लेते हैं तोरी हमारी गल गई या नहीं। तो तोरी हमारी गल गई है, आप देख सकते हैं, मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये तोरी अच्छे से गल चुकी है और ये सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बनकर तैयार होगी। तो इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया भी, और हरा धनिया डालने के बाद लगभग इसको आधा मिनट तक और पकने दूंगी, उसके बाद इसको अलग बर्तन में निकालूंगी। तो चलिए इसको आधा मिनट तक और रख देते हैं। आधा मिनट हो चुका है और सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारी ग्रेवी वाली सब्जी, एकदम मसालेदार चटपटी। तो ये नॉर्मल तोरी जैसे हम बनाते हैं हरी मिर्च में बनती है तोरी, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। ये मैंने आज मसाले वाली बनाई है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप भी इस तरीके से कुछ ट्राई कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके अपने फीडबैक दे सकते हैं। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और उसमें ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलते रहें। तो ऐसी ही किसी सिंपल रेसिपी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।